जैसा कि आप सभी ने कल रात को न्यूज देख ही ली थी कि पाकिस्तान वाले पबजी को बैन कर रहे हैं। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। नहीं मतलब मतलब कोई एक ऐसी ऐप को, ऐसी गेम को वो डिलीट, मतलब डिलीट कह रहा, एक ऐसी ऐप को वो बैन कर रहे हैं, तो जिसको खेल के बच्चे खुश होते हैं, उनको मजा आता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। अब देखो, एक इसी से हम चल लेते, वी आर टॉकिंग अबाउट टिकटॉक। अब उसको रोस्ट नहीं कर रहा मैं, जब उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम टिकटॉक को पकड़ लो आप, तो टिकटॉक जो है वो एक्चुअल में वो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो वो देखते हैं उनको वो गलत सिखाते हैं। मतलब ऐसे, मतलब खुसरे बन के, मतलब आपको कह दो खुसरे बन के आते, तो वो एक एक्चुअल में गलत चीज़ है जो बच्चे सीख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं बंद करेंगे, ना 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 ना। जो एक गेम है, 2 GB की गेम के बाद अदालतें चल रही हैं, पागल हो रहे हैं। तो अब आपने कर रात को ये न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। नौजवान पबजी वीडियो गेम खेलने की वजह से खुदकुशी कर गए, लाहौर पुलिस का गेम को बंद करवाने का फैसला। तो अब ना मैं इस वीडियो में ना तो गेम के, मतलब ना तो गेम को कुछ रोस्ट करूँगा, ना तो हमारी हुकूमत के बारे में कुछ होगा। उन्होंने, मैं सिर्फ उन चीज़ के ऊपर बात करूँगा जो कल रात जो न्यूज़ वाले जो थे, हमारा जो मीडिया था पागल, वो तो मीडिया तो पहली बात तो है ही पागल। तो वो जो बात कर रहे थे ना, वो जो जिन पॉइंट्स को लेकर आए थे कि इस पॉइंट्स की वजह से हम बैन कर रहे हैं, जो पुलिस वगैरह ने, जो हमारे मीडिया ने जो और आवाज़ उठाई है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा। मुझे समझ नहीं आती यार, ये सुसाइड, मतलब सुसाइड जो है ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो अगर हम सुसाइड को देखें यार, तो सुसाइड तो लोग शादी करने के बाद भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम शादियों के ऊपर बैन लगा दें? नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर, अगर हम देखा जाए तो जो लोग होते हैं वो शादियों की वजह से सुसाइड करते हैं। शादियों में वो जो प्रेशर वगैरह पड़ जाता है, मतलब अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं कि पैसे नहीं हैं, घर बार सही नहीं चल रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीवी भूखी मर रही है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह तो हम शादियों में भी बैन लगाते। अच्छा, अब इन्होंने बात की थी कि ये गेम खेल के, पबजी गेम खेल के बच्चे बमबारियों की तरफ जाते हैं, खूनी दिमागों की तरफ जाते हैं, ये भी बात ठीक नहीं है। देखो, पबजी जो गेम है आर्मी टाइप है, टाइप आर्मी नहीं है, आर्मी टाइप है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपको एक आइलैंड दिया जाता है, आपने वहाँ पर जा के घरों के अंदर से गन्स पकड़नी पड़ती हैं और फिर आपको अपने दुश्मनों को मारना होता है। तो यही तो आर्मी वाले करते हैं, बस ये फ़र्क होता है कि उनके पास गन पहले से होती है। पबजी में हमें गन खुद पकड़नी पड़ती है, तो बस ये फ़र्क है। अगर हम कह रहे हैं कि पबजी जो गेम है ये, मतलब ऐसे खून रेजी होती है इसके अंदर से, इसमें बच्चे वो सीख लेते हैं, बमबारियों की तरफ जाते हैं, तो फिर तो भाई इस तरह तो अगर हम देखा जाए तो जो आर्मी वाले हैं वो भी तो फिर यही काम करते हैं ना। नहीं, ये बात अलग है कि वो मुल्क को तहफ़ लेकिन वो भी तो फिर यही काम करते हैं। फिर तो हमें आर्मी में भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। ये जो बातें हैं ना, ये हमारी मीडिया अभी फजूल की ना बकवास कर रही है बस, क्योंकि ना ये हमारी मीडिया तो है ही पागल। ठीक है, आप देखो कोई न्यूज़ वालों को रेटिंग नहीं मिली होती तो वो न्यूज़ वाले ना कहते हैं पबजी बैन हो गया, कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं कि इस वजह से बैन हुई, जो कि घटिया जो वो अपने राय देते हैं ना कि इस वजह से नहीं हो रही, इस वजह से पबजी बैन हो रही है, घटिया बोलते हैं और फिर उसको न्यूज वो मतलब पब्लिश कर लेते कि भाई अब तो भाई व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। अब जो इन्होंने एक और बोल दिया कि पबजी के ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे मतवज्जो होते हैं, हमारे बच्चे मतवज्जो होते हैं उस गेम के ग्राफिक्स के ऊपर। डोरेमोन के ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं पबजी मोबाइल के हिसाब से। भाई तुम लोगों ने GTA 5, ये बैटल फील्ड, COD, वॉरज़ोन तो तुम लोगों ने खेली नहीं है, जो तुम्हें ग्राफिक्स के बारे में पता है। कहते हैं कि बच्चे मतवज्जो होते हैं ग्राफिक्स के ऊपर, बच्चे मतवज्जो पागल हो जाते हैं। मैंने न्यूज़ में देखा था कल, मैं उस न्यूज़ का नाम नहीं लूँगा, सॉरी, फिर वो कुछ कॉपीराइट साइड आ जाएगी बहुत गंदी वाली, मैं न्यूज़ का नाम नहीं लूँगा। लेकिन न्यूज़ में आ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं फजर फजर तक पबजी खेल रहे होते। तो भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि पबजी को अगर आप आजकल तो ये नोटिफिकेशन आई हुई है कि अगर पबजी को 2 घंटे से ज़्यादा खेल लो तो वो आपको नोटिफिकेशन पकड़ा देता है,
मुझे आ जाती है पाकिस्तान पति में, हाँ शायद ये इसी की वजह से है कि वो आपको नोटिफिकेशन पर कह देता है कि आपने 2 घंटे से जायद खेल लिया है। और अगर अगर बिलफर्ज बाज लोगों के यहाँ नहीं आता तो भाई अगर 2 घंटे खेलने के बाद ना, एक तो आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाती है, आपकी वो क्या कहते हैं सर दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर आपने ईयरफोन लगाया तो आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये फजर तक का जो खेलना है ना, ये ही ये थी प्रॉपर चुस, प्रॉपर बकवास थी ये जो इन्होंने कहा है कि ये फजर फजर तक बच्चे खेलते हैं। ये बस इन्होंने ना, मतलब अब लोग जो होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं कि अगर सामने उन्होंने देख लिया ना कि कोई न्यूज़ चैनल आ रहा है हमसे पूछने के लिए, तो वो भी भरा चिरा कर बोलते हैं, भरा चिरा कर, ताकि हमारी वीडियो जो है ना वो न्यूज़ बार 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 लगाए कि ये यार इसने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, इसके वीडियो बार बार लगाएंगे। तो यस, ये थी बस ये आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस मैंने यही बस मैंने कहा था कि ये जो इनकी जो कुछ बातें थी ना कि किस किस वजह से बैन हो रही है, मैंने सिर्फ इसको पकड़ा है, मैंने ना गेम को पकड़ा है, ना मैंने हमारी हुकूमत को पकड़ा है, ना मैंने किसी पुलिस वगैरह को पकड़ा है, मैंने सिर्फ इनके जो थे ना राय, जो इन्होंने कहा था कि इस वजह से पबजी बैन हो रही है, मैंने सिर्फ उसको पकड़ा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पबजी बैन हो गई है तो अब जो बच्चे हो गए ना वो पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर आ जाएंगे, या जिनके पास पीसी है जो एमुलेटर पे खेलते हैं वो अपने कंप्यूटर में पबजी पीसी लाइट डाउनलोड कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप लोगों का पता नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या मैंने ठीक कहा, अगर मैंने ठीक है तो मुझे कमेंट्स में बताएं मैंने कैसे मैं ठीक कहा है। तो बस वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल पर नो तो सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, ताकि आप हमारी ऐसी ही वीडियोस जल्दी से मिस नहीं करें। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।